हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपना चैनल स्टार के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं सोशल साइंस का। हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे फर्स्ट और सेकेंड का वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, starkstudy.com। सोशल साइंस के अलावा यानी सामाजिक विज्ञान के अलावा यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का आप लोग फ्री ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से, जिसमें हम लोग साइंस का प्रैक्टिस कर चुके थे, मॉडल से संस्कृत का भी कर चुके हैं, हिंदी का भी कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग आज सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग 40 प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में, और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसमें सामाजिक विज्ञान में आप लोग को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन सारे पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इसके सोशल साइंस के चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आपको डाले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो उसको आप लोग जरूर जाके देखिएगा starkstudy.com के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि नाविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, यानी इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को या यूनान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की है, यानी किसके द्वारा वार एंड पीस पुस्तक की रचना किया गया है, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा, टॉलस्टॉय के द्वारा या दोस्तोवस्की द्वारा या एंजल्स के द्वारा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, यानी रूस जो था एक देश है जिसमें जार का अर्थ क्या होता है, यानी रूस का सम्राट, रूस का सामंत या पीने का बर्तन या पानी रखने का बर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रूस का सम्राट को क्या कहा जाता था, रूस जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है, यानी हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है, पथ प्रदर्शक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, यानी कितने ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था, 1954 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी, 1925 के केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, बारदोली के जो किसान आंदोलन किया था इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 9 नंबर वर्साई की संधि कब हुई थी, यानी कितने ईस्वी में वर्सा की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरम्भ हुआ, यानी कहाँ पर मुद्रण का मतलब छपाई का जो कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ पे आरंभ हुआ था, विश्व में पूछ रहा, यानी भारत में, चीन में, जापान में या जर्मनी में। तो किस देश में हुआ था, तो ये चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी या धर्म निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, यानी पंचायती राज को भारत के किस संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 में इसको मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, यानी ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, यानी भारत में, चीन में, ब्रिटेन में या अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें से छत्तीसगढ़ तो एक राज्य है, उत्तराखंड भी एक राज्य है, केरल भी
एक राज्य है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि केंद्रशासित प्रदेश कौन है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, चंडीगढ़ क्या है एक केंद्रशासित प्रदेश है। नेक्स्ट असेसमेंट के बिहार की खाली स्थान में लक्ष्मी गणतंत्र का फला फूला, यानी बिहार के किस कहाँ पे था लक्ष्मी गणतंत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ये वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था निर्वाचित सरकार को बदलना, यानी सरकार जो निर्वाचित के द्वारा चुना गया था उस सरकार को क्या करना था बदलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, तो सभा एक होता है लोकसभा एक होता है राज्यसभा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है लोकसभा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित किया गया, यानी सम्मिलित किया गया है, तो तीन क्षेत्रक होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का भी कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, यानी क्या चीज से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर मुद्रा व धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, यानी किसके द्वारा कहा गया है कि मुद्रा व धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मार्शल का, यानी मार्शल के द्वारा यह वाक्य कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी शिवहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है, तो ISO का मुख्यालय कहाँ है जेनेवा में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, यानी किसके द्वारा यह वाक्य कहा गया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हमारे इंडिया में जो है सबसे अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है मासिन राम में होती है जो कि मेघालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी घड़ियाल डॉल्फिन व्हेल या कछुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का भी झारखंड में झुरिया है जहाँ पे क्या है कोयले का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो समुद्री तट पे जितने भी राज्य है उसको क्या कहा जाता है नारियल का प्रदेश कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है यानी क्या चीज़ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोलकाता हावड़ा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ती है, यानी क्या पूछा जा रहा है कि नहीं जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुवाहाटी को नहीं जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भागलपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, मानचित्र पर समुच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बादामी कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ये समुद्री इलाकों में सबसे ज़्यादा सुनामी आता है, यानी जब समुद्री लहर आता है तो क्या आता है, सुनामी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार वो होता है कि डॉक्टर के ले जाने से पहले जो हम लोग घरेलू छोटा मोटा उपचार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा किस प्रकार की आपदा, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाए सी, महामारी क्या है, एक मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है, और महामारी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा। जिस तरह से कि अभी महामारी कोरोना वायरस, ये भी एक प्रकार का क्या था, महामारी ही था। तो ये क्या था, एक अचानक आया था, यह एक प्राकृतिक आपदा हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, 1 to 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। starkstudy.com, थैंक यू सारे स्टूडेंट को। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।